एमपी में ठंड से राहत, 7 दिन बाद अधिकांश जगह रात का पारा 10 डिग्री के पार। अगले 2 दिन भोपाल ग्वालियर समेत कुछ जगह गिर सकते हैं ओले और हो सकती है बारिश। हत्या कर छात्रा का शव चंबल में फेंकने का मामला है सामने। ग्वालियर से इलाहाबाद तक तलाश, चंबल से यमुना फिर संगम तक लाश पहुंचने की आशंका। चंबल में सड़क पर फायरिंग, खुलेआम गोलियां चलाते हुए युवक का वीडियो है सामने। 7 दिन में तीसरा मामला, पुलिस हुई चकर घिन्नी। सागर में शासकीय राशन में हेराफेरी पर सख्ती, राशन दुकान संचालक समेत 2 के खिलाफ FIR, 6 माह के लिए भेजा जेल। सागर में अतिक्रमण पर चला JCB का पंजा, 100 दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया, किसी ने मांगा समय तो कोई जोड़ता रहा हाथ। 3 साल से अधूरी नल जल योजना, बालाघाट के बड़पानी की जनता हो रही परेशान, अधिकारी अब कोरोना को बता रहे अधूरे काम की वजह। दमोह में रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार, किसान से जमीन के बेनामा की कॉपी देने के एवज में बाबू मांग रहा था 1500 रुपए की रिश्वत, लोकायुक्त ने की कार्यवाही। टीकमगढ़ विधायक कोरोना पॉजिटिव, विधायक राकेश गिरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी कोरोना पॉजिटिव निकली, 3 दिन पहले CM से की थी मुलाकात, भोपाल से लौट कर कराई जाँच। MP में कोरोना अनकंट्रोल, 24 घंटे में नए केस 10,000 के करीब, 21 जिलों में शतक, 4 मौतें भी की गई दर्ज। प्रदेश का हरदा सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला जहां पर पॉजिटिव केस का आंकड़ा 0। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे गड़ाकोटा, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता और जैन पंचायत के अध्यक्ष अरुण कुमार मलैया के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि की अर्पित, शोक संवेदना की। सागर में फुटकर सब्जी फल विक्रेताओं को मंडी में सब्जी विक्रय करने को लेकर किया गया स्थान आरक्षित, 12 दिन लगभग 90 विक्रेताओं को स्थान का आरक्षण, बाकी शेष बचे व्यापारियों को स्थान आरक्षित करने की कार्यवाही जल्द की जाएगी, SDM ने कहा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार सागर नगर निगम में मास्क ही है जिंदगी अभियान की गई शुरुआत। शासन के निर्देशानुसार 28 फरवरी 2022 तक भवनों की कंपाउंडिंग सीमा में वृद्धि और शुल्क में छूट, लाभ लें भवन स्वामी, सागर निगम आयुक्त बोले। सागर जिले के कोरई के सहोदर राय वार्ड में अवैध रूप से शराब बेचने वालों से परेशान लोगों ने देहात थाने में पहुंचकर की शिकायत। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से डिजिटल शिक्षण के लिए कोरई विधानसभा क्षेत्र के 26 स्कूलों के लिए राशि की गई स्वीकृत। फ्री नान एवं नान इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोरई से निकलने वाली भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस और बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन 22 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगी निरस्त। कोरई के ऑडिटोरियम में भाजपा का बूथ विस्तारक कार्यक्रम हुआ आयोजित, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह हुए शामिल। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोरई के सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोरई में पूर्व कमांडो का जन्मदिन ऐतिहासिक रूप से मनाया गया, शहर के 50 से अधिक स्थानों पर लोगों ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। दमोह जिले के पथरिया में पेड़ काटने के विवाद को लेकर युवक को हाथ में कुल्हाड़ी मारकर पहुंचाई चोट, अस्पताल में इलाज जारी। घायल प्रताप अहरवार द्वारा पथरिया थाने पहुंचकर रिपोर्ट कराई गई दर्ज। दमोह जिले के पथरिया जनपद कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत लकरौनी निवासी रेवाराम अहरवार द्वारा सचिव, सरपंच और अधिकारियों पर ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीते 3 दिनों हड़ताल पर बैठा था। इस भूख हड़ताल की जानकारी मिलते ही गुरुवार रात विधायक पुत्र देवराज परियार धरना स्थल पर पहुंचे, शिकायतकर्ता की भूख हड़ताल समाप्त कराई गई और शुक्रवार को अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने का दिया गया आश्वासन।